अपने प्रे, पहला मंगलाचरण थी स्टार्ट करिए नमो अरियंता नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उज्जायानम नमो लोहे सब साहूरम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव परासनो मंगलानंच सब्वे सिम परम अवई मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्रपूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमा पन्नगे सुरेन्द्रे कौशिके पाद संस्कृशे निर्विशेषमस्काय श्रीवीरस्वाम नम अनाधा ज्ञानाजननी सलाकया नेत्र उन्मूलत येन तस्म नमः नम सर्वृष्ट प्रणाष्टानेर्वधिदा श्री गौतम स्वामी नमः ओंकार बिंदु संयुक्त कामदम चैव आय नमो नमः वेलकम टू ट्वेंटी सेवंथ क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र तो आज हम भगवान सुपाशनाथ का जीवन चरित्र स्टार्ट करेंगे uh, पर उससे पहले विल ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट टाइम क्या देखा था अभी ये क्लास में ना मतलब वी आर कमिंग एंड टू द मध्य लोक वर्णन आई थिंक एक दो और क्लासेस होंगे मध्य लोक के वर्णन में तो आपको जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा मध्य लोक का वर्णन है वो यू हैव टू बाई हार्ट मैं तो वही बोलूंगा तो क्या है कि यू कैन एक्सप्लेन टू अदर्स यू नो तो ये अपने काफ़ी सारे लास्ट आई थिंक फिफ्टीन जितने क्लासेस इस पे लिए है तो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन यू कैन आस्क तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट टाइम क्या देखा था तो मध्यलोक या लोक उसमें सबसे सेंटर में मेरू पर्वत है ये मेरू पर्वत एक लाख योजन ऊंचा है और उसका जो डायमीटर है वो टेन थाउजेंड योजन है ये मेरू पर्वत के सराउंडिंग एक लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है तो ये जम्बू द्वीप में हमने देखा कि छह कुलगिर या वर्ष पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम की ओर रन करते हैं और उसके कारण ये जम्बू द्वीप सात क्षेत्रों में विभाजित है ये तो ये जम्बू द्वीप में कितने रिमेम्बर uh, कितने कर्म भूमि और कितने अकर्म भूमि है जम्बू द्वीप में किसी को याद है बार, ना जम्बू द्वीप मा जम्बू द्वीप मा थ्री कर्म भूमि राइट एक भरत एक ऐरावत और एक महाविधे और छह अकर्म भूमि Right? तो जम्बू द्वीप में तीन कर्म भूमि और छह अकर्म भूमि राइट right? तो जम्बू द्वीप के सराउंडिंग एक वॉल है या उसको हम जगती कहते हैं शास्त्र में और ये जगती के चार दिशा में चार दरवाजे हैं हमने देखे थे विजय वीजे, विजयवंत अपराजित और जयंत ऐसे करके चार दरवाजे हैं और उसके चार अधिष्ठाई देव हैं ये 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 जगती के बाहर जम्बू द्वीप के बाहर दो लाख योजन वाला लवण समुद्र है राइट तो हर एक के डायमेंशन हम आगे देखेंगे इट इज ट्वाइस 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 राइट तो जम्बू द्वीप एक लाख योजन है लवण समुद्र दो लाख योजन है तो लवण समुद्र में चार दिशा में चार महापाताल कलश है जहां से पानी ऊपर उछलता है राइट वो इलेवन थाउजेंड योजन से सिक्सटीन थाउजेंड योजन वो ऊपर उछलता है और उसके कारण हम हम भरच हम अपने जम्बू में और इवन घाटी कन में वो वेव्स देखते हैं राइट right? भर्ती ओ टाइड्स वो सब ये महापाताल कलश की वजह से हम देखते हैं तो चार दिशा में चार महापाताल कलश है चार दिशा में चार वेलंदर पर्वत है चार वी दिशा में चार अनुवेलंदर पर्वत है तो ये वेलंदर और अनुवेलंदर पर्वत में देवताओं के प्रसाद है और उसके बाद बारह द्वीप है और बारह सूर्य द्वीप है जहाँ पे जो चंद्र देवता और सूर्य देवताओं के प्रसाद है उसके बाद लवण समुद्र में फिफ्टी सिक्स अंतर्द्वीप है वो भी अकर्म भूमि है जहाँ पे युगलिक काल चल रहा है तो जो लघु हिमवंत पर्वत और सीखरी पर्वत के दोनों और देर आर फिफ्टी सिक्स टोटल तो उसको अंतरद्वीप कहते हैं तो ये लवण समुद्र था और उसके बाद हमने देखा कि लवण समुद्र के सराउंडिंग उससे डबल तो चार लाख योजन वाला घाटकी खंड है तो घाटकी खंड अभी जो घाट की खंड है उसमें उसमें कोई बता सकता है कितने कर्म भूमि और कितने अकर्म भूमि है घाट की खंड में जम्बू द्वीप से डबल राइट तो जम्बू द्वीप में तीन कर्म भूमि थे और छह अकर्म भूमि थे तो घाट की खंड में छह कर्म भूमि है और बारह अकर्म भूमि है तो एवरीथिंग इज डबल तो यहां पर घाटकी में बीच में एक पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है उसका नाम है ईशुस्कवार पर्वत ये वाला जो पर्वत है वो ईशुस्क्वार पर्वत और ये घाटकी खंड को दो में डिवाइड करता है ये पूर्वार्ध घाटकी खंड और पश्चिमार्ध घाटकी खंड जो पूर्वार्ध घाटकी खंड है वो एक इट्स एग्जैक्टली सेम एज वन जम्बू द्वीप और ये पश्चिमार्ध घाटकी खंड इट्स सेम एज द सेकंड जम्बू द्वीप तो हर एक दो दो है दो भरत क्षेत्र है दो ऐरावत क्षेत्र है दो महाविदे क्षेत्र है दो देवकुरु दो उत्तर कुरु क्षेत्र है और दो मेरु पर्वत भी है राइट तो एवरीथिंग इज डबल घाट के खंड में यहाँ पे ओनली डिफरेंस जो जम्बू द्वीप से है इस यहाँ पे हरेक जो पर्वत है शिखरी पर्वत ये लघु हिमवंत पर्वत मिमवंत पर्वत ऑल द पर्वत आर चार फोर लैक योजन राइट तो यहाँ पे ऑल द पर्वत का डायमेंशन जो लेंथ है वो फोर लैख योजन है और उसके बाद हमने देखा था कि जो घाटकी कंड का जो मेरू पर्वत है वो जम्मूद्वीप के मेरू पर्वत से थोड़ा छोटा है अभी एक बात याद रखनी चाहिए कि पूरे तिरचालोक में पूरे मध्य लोक में सबसे बड़ा पर्वत वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है बाकी जो घाटकी कंड का मेरू पर्वत है और जो पुष्करावर द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो उससे छोटे है तो घाटकी कण का जो मेरू पर्वत है वो एटी फाइव थाउजेंड योजन ऊंचा है जो जम्बू द्वीप का एक लाख योजन था तो वो फिफ्टीन थाउजेंड योजन छोटा है पर उसका जो बाकी सब सेम है तो जमीन पे भद्रासल वन है ऊपर नंदन वन है सोमनस वन है पांडुक वन है उसके ऊपर ये शीला है और उसके ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है और यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम ओनली थिंग थोड़े डायमेंशन थोड़े छोटे है घाटकी कंड के मेरू पर्वत के फिर उसके बाद घाटकी कंड के सराउंडिंग कलो समुद्र है राइट तो एक एक आइलैंड एक समुद्र एक आइलैंड एक समुद्र तो सेंटर में मेरू पर्वत फिर जम्बू द्वीप फिर लवण समुद्र फिर, फिर घाट की कंड उसके बाद कलो समुद्र ये कलो समुद्र आठ लाख योजन विस्तार वाला है और कलो समुद्र के बाद पुष्करावर द्वीप है ये पुष्करावर द्वीप सिक्सटीन लैख योजन विस्तार वाला है राइट तो ये पुष्करावर द्वीप में घाटकी की तरह ही सेंटर में इसको स्क्वाड पर्वत है जो ये ये पर्वत आठ लाख योजन है और इसके कारण ये पूर्वार्ध पुष्करार्ध द्वीप और पश्चिमार्ध पुष्करार्ध द्वीप में ये दो डिवाइडेड है तो द्वीप में भी इट्स सिमिलर यहाँ पे दो मेरू पर्वत है दो महाविद्या क्षेत्र है, है जो सब कुछ दो दो है जो घाटकी कन में थे वो सब कुछ दो दो है तो इफ यू कैलकुलेट टोटली तो कितने कर्म भूमि हुए तो जम्बू द्वीप में तीन में छ और फिर पुष्कर फिफ्टीन कर्म भूमि और कितने अकर्म भूमि तो जम्बू द्वीप में सिक्स घाटकीकन में ट्वेल्व पुष्कारा द्वीप में ड्वेल्व तो टोटल थर्टी अकर्म भूमि प्लस फिफ्टी सिक्स आंतरद्वीप तो फिफ्टीन कर्म भूमि थर्टी अकर्म भूमि और फिफ्टी सिक्स वो भी अकर्म है तो टोटल हंड्रेड वन मनुष्य क्षेत्र है तो ये हंड्रेड वन क्षेत्रों में मनुष्य जन्म ले सकते हैं तो ये पूरा उसको अरी द्वीप कहते हैं और अड़ी द्वीप इट्स टोटल फोर्टी फाइव लैक योजन तो अभी जो ये पुष्करावर द्वीप है उसके एट लैक योजन के बाद मानुष्योत्तर पर्वत है ये जो गोलाकार जो पर्वत है उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है तो मनुष्य मात्र मानुषोत्तर पर्वत के अंदर मतलब अभ्यंतर दिशा में ही मनुष्य जन्म ले सकते हैं ये मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है और मनुष्य का मरण भी नहीं होता है राइट तो ये सब हमने लास्ट टाइम हमने हमने देखा था तो, तो अभी दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अड़ी द्वीप है इसमें टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र है तो जो जम्बू द्वीप है उसमें दो सूर्य दो चंद्र है फिर लवण समुद्र में चार सूर्य चार चंद्र है खंड में ट्वेल्व सूर्य ट्वेल्व चंद्र कलोदी समुद्र में फोर्टी टू सूर्य फोर्टी टू चंद्र और पुष्कर द्वीप में 70 सूर्य सेवनटी टू सूर्य और सेवनटी टू चंद्र तो, तो टोटल हंड्रेण्ड थर्टी टू सूर्य और हंड्रेड एंड थर्टी टू चंद्र जो अड़ी द्वीप में जो सूर्य और चंद्र है वो सब चलित है मतलब वो अपने अपने मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं द्वीप, द्वीप, है, द्वीप समुद्र में असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है पर ये सभी स्थिर है तो अढ़ी द्वीप में जो सूर्य और चंद्र है वो ही होते है वही चलित है पर अढ़ी द्वीप के बाहर जो भी सूर्य और चंद्र है वो सभी स्थिर है मतलब अढ़ित द्वीप के बाहर जह, जहाँ पे दिन है वहाँ पे दिन है जहाँ पे रात है वहाँ पे रात है तो जो भी जो व्यवहार काल है राइट जो हम हम अपने व्यवहार जीवन में जो जो टाइम हम जो यूज करते हैं जैसे मुहूर्त है समय है आवलिका है मुहूर्त है फिर दिन है रात है पक्ष है महीना है राइट उत्तर पीणी अवसर पीणी तो वो सभी चीज सिर्फ अड़िद्वीप में है क्योंकि ये सब काल इट इज बेस्ड ऑन सूर्य एंड चंद्रस मूवमेंट पर अड़ी द्वीप के बाहर उसको निश्चय काल बोलते हैं वहां पे कोई दिन नहीं है वहां पे कोई रात नहीं है मतलब जहां पे दिन है वहां पे दिन है जहां पे रात है वहां पे रात है ऑल द सूर्य चंद्र वो सब कुछ स्थिर है तो वहां पे पूरा निश्चय काल है फिर उसके बाद ये अः पुष्कर द्वीप जो अड़ी द्वीप के बाहर असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है तो मनुष्य ये अड़ी द्वीप के बाहर तो जा तो सकता है मतलब को, कोई कोई मनुष्य के पास अगर चारण लब्धि हो आकाश गामिनी की विद्या हो तो ये अड़ित के बाहर वो ट्रैवल तो कर सकता है पर मृत्यु के समय उसको वापस द्वीप में उसको कंपलसरी आना पड़ता है उसका उसका मृत्यु के बाहर नहीं हो सकता है तो कोई देवताओं के सहाय से भी कोई मनुष्य ये अड़ित द्वीप के बाहर वो जा सकता है तो अड़ित द्वीप के बाहर कोई मनुष्य जन्म नहीं ले सकता है मनुष्य का मरण नहीं होता है वहां पे कोई टाइम पीरियड जैसा कुछ है नहीं वहाँ पे निश्चय काल है वहाँ पे कोई बादल नहीं है कोई बारिश नहीं है वहाँ पे कहते हैं कि बादर अग्नि काय के जीव भी नहीं है मतलब अड़ित द्वीप के बाहर अग्नि भी प्रकट नहीं होती है तो वहाँ पे कोई बादर अग्नि अग्नि काय के भी कोई जीव नहीं है वहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है जैसे यहाँ पे गंगा सिंधु आदि नदी है तो ये अड़ित द्वीप के बाहर ऐसी कोई नदी नहीं है तो अड़ित द्वीप में अड़ित द्वीप के बाहर मात्र मात्र द्वीप है, समुद्र है द्वीप है समुद्र है तो ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है अभी तिरियंज गति के जीव वो अड़िद्वीप के बाहर वो जन्म भी ले सकते हैं और वो मरण भी कर सकते हैं पर मनुष्य का जन्म और मरण अड़िद्वीप के बाहर होता नहीं है तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है ओके, okay. तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है अड़ी द्वीप का तो ये टोटल फोर्टी फाइव लैख योजन है और उसमें जो पुष्कर द्वीप के अर्ध भाग में मतलब एट लैख योजन जाने के बाद मानुष्योत्तर पर्वत है तो ये मानुष्योत्तर पर्वत को देख के ऐसा लगता है कि वो मनुष्य क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक किले की तरह है वो मनुष्य क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमने मानुष मानुषोत्तर पर्वत के बारे में थोड़ा लास्ट टाइम देखा था कि ये मानुष्योत्तर पर्वत पे चार दिशा में चार शाश्वत जिन चैत्य है ये मानुसोत्तर पर्वत पे और उसके बाद सिक्सटीन देव देवताओं के प्रसाद है यहाँ पे मानुसोत्तर पर्वत में तो यहाँ पे जो जो चारण लब्धि जारी जो मुनिया मु, जो मुनि भगवान थे जो अदित द्वीप के जो बाहर जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ये शाश्वत जिन चैत्य में वो यहाँ पे आके विश्राम करते हैं और यहाँ पे चैत्य बंदन आदि धर्म की आराधना करते हैं तो मानुसोत्तर पर्वत हमने देखा कि वो जो अपना जो वेलंदर पर्वत है उसका सेम उसका थिकनेस और हाइट है उसकी ऊंचाई 1721 योजन है और उसका थिकनेस 1022 योजन है और वो सिंह निषादी आकार वाला है तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे सिंह जैसे बैठा हो तो एक साइड ऊंचा होता है दूसरा साइड नीचा होता है तो उस प्रकार के आकार वाला ये मानुसोत्तर पर्वत है तो यहाँ तक हमने देखा था अभी हम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, वी, वी तो लास्ट टाइम हमने ये ये थोड़ा बहुत हमने कवर किया था तो अडी द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है तो शास्त्र में काफी सारे नाम का उल्लेख आता है तो सेंटर में हमने देखा मेरू पर्वत फिर जम्बू द्वीप समुद्र घाटकीकन कलोदी समुद्र पुष्करावर द्वीप पुष्करावर समुद्र फिर उसके बाद वाणुरीवर द्वीप वाणुरीवर समुद्र फिर शीर शीरवर द्वीप और शीरवर समुद्र ये जो शीर समुद्र है ना दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर यहाँ पे देवता जो भगवान के अभिषेक के लिए यहाँ पे जो जल लेके आते हैं, वो शीर समुद्र से लेके आते हैं तो ये जो फिफ्थ जो जो समुद्र है वो है शीर शीरवर द्वीप और शीरवर समुद्र उसके बाद है ध्रुतवर द्वीप ध्रुतवर समुद्र इक्षुवर द्वीप इक्षुवर समुद्र और उसके बाद असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है और लास्ट में द्वीप और स्वयं समुद्र करके है तो हमने देखा कि जो लवण समुद्र है जो अपना जो समुद्र है उसका पानी खारा है लवण मतलब सॉल्ट तो उसका पानी खारा है उसके बाद जो वाणु वाणुवर समुद्र है उसका पानी मदिरा जैसा है जो जो अः अच्छे टेस्ट वाला मदिरा जैसा मतलब तो वानोनीवर समुद्र का पानी मदिरा जैसा है फिर शीर समुद्र जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है उसका पानी अमृत जैसे दूध जैसा है तो जैसे यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि जो चक्रवर्ती जी की जो गाय है जो वो दूध देती है उससे भी अधिक मिठास ये शीर समुद्र के पानी में है मतलब वो दूध नहीं है पर दूध जैसा है फिर उसके बाद जो ध्रुतवर समुद्र है उसका टेस्ट घी जैसा है और उसके बाद जो इक्षुवर समुद्र है उसका पानी इक्षु इक्षु मतलब शेरडी तो शुगर कैन के जूस जैसा है तो शास्त्र में लिखा है कि जो शेरडी का जो रस है उसके अंदर चतुर्थ जातक मतलब उसके अंदर इलायची केसर आम, चार चीजें हाँ मरी इलायची केसर और तज तो वह चार चीज़ें डाली हो सेडी के रस में जो जो जैसा टेस्ट आता है वो इसका ऐसा टेस्ट आता है फिर उसके बाद जो कलोदी समुद्र है और जो पुष्कवर समुद्र है उसका पानी निर्मल जल जैसा है मतलब वो फ्रेश वाटर जैसा होता है ना ऐसा पानी है तो बोलते हैं ये पानी बहुत ही हल्का होता है बहुत बहुत ही अमृत जैसा मीठा होता है और उसको अगर हम पिए अगर खाना खाने के बाद अगर ये ये समुद्र का पानी पिए तो अपना खा खाना भी तुरंत पच जाता है तो अत्यंत हल्का और अत्यंत मीठा होता है तो बाकी सब जो असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है उसका पानी सभी इक्षुवर समुद्र की जैसे होता है मतलब वो सेडी के रस में अगर चतुर जातक डाला हो तो उसका पानी उस टेस्ट का होता है और लास्ट जो स्वयंपुर समुद्र है उसका पानी सेम कलोरदी समुद्र मतलब मीठा अमृत जैसा उसका पानी है फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सभी द्वीप और सभी समुद्र में तीन समुद्र को लेने का लवण समुद्र फिर उसके बाद कलोदधी समुद्र और लास्ट में स्वयं भ्रमण समुद्र इसमें इन तीन समुद्र में सबसे ज्यादा मत्स्य है तो बोलते हैं कि जो लवण समुद्र में जो मत्स्य है मत्स्य मतलब जो जो सी फिशेस या वेल्स या जो होती है उसको मत्स्य कहते हैं तो लवण समुद्र में जो मत्स्य है वो 500 योजन बड़े हो सकते हैं फिर कलोददी समुद्र में 700 योजन और स्वयं समुद्र में थाउजेंड योजन बड़े मत्स्य है तो लवण समुद्र में सात लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है कलोदी समुद्र में नौ लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है और स्वयंपुर रमन समुद्र में साढ़ा बारह लाख कोड़ा कोड़ाकोड़ी मत्स्य उतनी संख्या है ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है तो अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं तो जो असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है तो हरेक का जो डायमेंशन से हमने देखा कि घोष डबल, डबल 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 राइट तो उसमें जम्बू द्वीप हमने देखा एक लाख योजन लवण समुद्र दो लाख योजन घाटकी कंड चार लाख योजन कलोदरी समुद्र आठ लाख योजन फिर पुष्कर द्वीप सोलह लाख योजन पुस्करवर समुद्र थर्टी टू लाख योजन ऐसा करके वो डबल डबल होते जाता है फिर वाणुणीवर द्वीप वाणुवण समुद्र शीरवर द्वीप शीरवर समुद्र ध्रुतवर द्वीप ध्रुतवर समुद्र इक्षुवर द्वीप इक्षुवर समुद्र फिर जो एथ जो आता है वो है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र तो इसके बारे में हम आज देखेंगे नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र ये काफी इम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है तो इसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे फिर उसके बाद देखो शास्त्र में कहाँ तक के नाम दिए हैं फिर अरुण द्वीप अरुण समुद्र अनु अरुणवर अनु, द्वीप अरुणोवर समुद्र अरुणोवर रावास भास द्वीप अरुणवर भास समुद्र फिर अनुनापांत द्वीप अनुनापांत पान्त समुद्र अरुण पपातवर द्वीप अरुण पपातवर समुद्र फिर अरुण पपातवर भास द्वीप अरुण पपातवर भास समुद्र फिर कुंडल द्वीप कुंडल समुद्र ये कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर कुंडवर कुंडलवर द्वीप कुंडलवर समुद्र कुंडलवर भास द्वीप, कुंडलवर भास समुद्र हर एक डायमेंशन देखना अभी कितना बड़ा डायमेंशन हो गया है फिर उसके बाद संख द्वीप संख समुद्र संखवर द्वीप संखवर समुद्र संखवर भास द्वीप संखवर भास, भास समुद्र रुचक द्वीप ये रुचक द्वीप के बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रोचक द्वीप रोचक समुद्र रुचक वर द्वीप रुचक वर समुद्र रुचक वर भास द्वीप रुच रुचक वर भास समुद्र फिर ऐसे भुजक द्वीप भुजक समुद्र भुजक वर द्वीप भुजक वर समुद्र भाष समुद्र तो ये एक एक क्रम है पहले पहले नाम आता है फिर उसके बाद वर ऐड होता है और उसके बाद वभास ऐड होता है तो जैसे भुजक भुजक वर और भुजक वर द्वीप तो ऐसा करके 52 द्वीप और 52 समुद्र के नाम शास्त्र में दिए हैं और उसके बाद असंख्य द्वीप पे असंख्य समुद्र है और उसके बाद द्वीप सूरवर समुद्र उसके बाद सूरवर भास द्वीप सुरवर भास समुद्र उसके बाद देव द्वीप देव समुद्र नाग द्वीप नाग समुद्र यक्ष द्वीप यक्ष समुद्र भूत द्वीप भूत समुद्र और लास्ट में स्वयंपुर रमण द्वीप और स्वयंपुर रमण समुद्र तो ये सब इंटरेस्टिंग है कि इतने सब नाम अपने शास्त्र में दिए गए अलोंग विथ ऑल ऑल दिस डायमेंशन तो आज हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में देखते हैं तो नंदीश्वर द्वीप वो एट एट सेट है यू नो समुद्र द्वीप और वो, वो, वो नंदीश्वर समुद्र है तो इफ यू गो बैक इसका डायमेंशन कितना था सिक्सटीन लैख थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर योजन ंदेश्वर द्वीप तो अपना जम्बू द्वीप एक लाख योजना है तो उसके कंपैरिजन में इट्स सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर टाइम्स ज्यादा बड़ा है अपने अपने, अपने जम्बू द्वीप से सो इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप है तो नंदीश्वर द्वीप तो नंदीश्वर द्वीप दो में विभाजित है पूर्वार्ध नंदीश्वर द्वीप और पश्चिमार्ध नंदी नंदीश्वर द्वीप जो पूर्वार्ध जो नंदीश्वर द्वीप है उसका जो अधिपति देव है उसका नाम है कैलाश देव और जो पश्चिमार्ध जो नंदीश्वर द्वीप है उसका जो अधिपति है उसका नाम है हरिवाहन देव तो अभी ये नंदीश्वर द्वीप वो सिक्सटीन लैख थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर योजन से उसका विस्तार और इसके चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत है ओके okay? तो ये ये जो अंजनगिरी पर्वत है वो श्याम वन के है अंक रत्न के अंजनगिरी पर्वत है तो चार दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत है तो ये अंजनगिरी अज, पर्वत का जो डायमेंशंस है वो जो घाटकी कण का जो मेरु पर्वत है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मतलब नॉट सेम पर ऑलमोस्ट सिमिलर घाटकीकरण का जो मेरू पर्वत था वो एटी फाइव थाउजेंड योजन बढ़ा था उसके कंपैरिजन में ये एटी फोर थाउजेंड योजन बढ़ा है पर डायमेंशन आर ऑलमोस्ट सेम सिर्फ एक वन थाउजेंड योजन छोटा है फिर उसके बाद ये जो चार अंजनगिरी पर्वत पे एक-एक शाश्वत -एक जिन चैत्य है ओके okay? तो हर एक में एक-एक शाश्वत -एक जिन चैत्य है फिर उसके बाद ये जो हां चित्र भी पर कदाचित स्क्रीन में खाली एक स्वर्ग तुम्हारे मिनिमाइज करो अच्छा तुमने देखा तो नहीं दूसरा बताने बराबर चार पर्वत दिखाई दे देखा है क्या बताने આઈ કેન સી ખાલી રમણીય અંજનગીરી અને સમથિંગ છે બાકી કેવું દેખાય છે દેખાય છે ચાર કદાચ તમારા સાઈડ ઓકે ઓકે કારણ કે કદાચ તમારે હા મારે ડિફરન્ટ एक चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत है और हरेक पे शाश्वत जिन चैत्य है अभी ये हरेक अंजनगिरी पर्वत के चारों साइड मतलब हरेक पर्वत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक वावड़ी है वावड़ी मतलब जो पौंड होता है ना वो उसको वावड़ी कहते हैं। तो हरेक वावड़ी वो एक लाख योजन बाय फिफ्टी थाउजेंड योजन बाय टेन योजन डीप है मतलब सोचो वो पौंड भी जम्बू जितने बड़े हैं एक लाख योजन राइट तो चार दिशा में चार वावड़ी है और और हरेक का डायमेंशन वन लैक योजन बाई फिफ्टी थाउजेंड योजन बाय टेन योजन उसकी डेप्थ तो शास्त्र में ये जो चार अंजनगिरी पर्वत है उसके नाम है देवरमन नित्य स्वयंप्रभ स्वयं प्रभ और रम रमणीयक और हरेक अंजनगिरी पर्वत पे चार दिशा में चार वावड़ी है तो देवरमन जो अंजनगिरी पर्वत है उसके जो बावड़ी है उसका नाम है शहर अमोगा गोस्तुपा सुदर्शना फिर उसके बाद नित्य घोत उसका उसकी बावड़ी का नाम है नंदोतरा नंदा सुनंदा नंदीवर्धना स्वयंभ्रप उसका नाम है भद्रा विशाला कुमुदा पुरन पुरन और रमणीय का नाम है विजया विजयंती जयंती और फिर अपराजित तो ऐसा करके सोलह बावड़ी है और हर एक बावड़ी तो okay, चार अंजनगिरी पर्वत हरेक के चारों साइड एक एक वावड़ी तो टोटल सिक्सटीन वावड़ी और हरेक वावड़ी के ऑल द फोर साइड्स में वन है वन मतलब फॉरेस्ट और ये जो फॉरेस्ट है वो एक लाख योजन बाय पाँच सौ योजन उसका डायमेंशन है तो टोटल सिक्सटी फोर वन है तो चार अंजनगिरी पर्वत उसके चार दिशा में चार वावड़ी तो टोटल सिक्सटीन बावड़ी और हर एक वावड़ी के चारों दिशा में एक एक वन तो टोटल सिक्सटी फोर वन तो अभी जो ये जो चार वावड़ी है वो हरेक वावड़ी ये जो अच्छा इसमें नहीं है ओके तो हरेक तो हरे वावड़ी है चार दिशा में तो हरेक वावड़ी के बीच में सेंटर में एक एक पर्वत है उसका नाम है दधिमुख पर्वत ओके तो सेंटर में अंजनगिरी पर्वत फिर चार दिशा में चार वावड़ी और वावड़ी के सेंटर में एक पर्वत है उसका नाम है दधिमुख पर्वत टोटल फोर दधिमुख पर्वत इन इन एवरी डायरेक्शन राइट तो पूर्व में पूर्व में चार दधिमुख पर्वत पश्चिम में चार दधिमुख पर्वत ऐसा करके टोटल सिक्सटीन दधिमुख पर्वत तो so, हर एक दधिमुख पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है तो so, टोटल कितने हुए चार अंजनगिरी पर्वत के चार शाश्वत जिन चैत्य फिर सिक्सटीन दधिमुख पर्वत के सिक्सटीन शाश्वत जिन चैत्य तो ट्वेंटी और उसके बाद हर एक जो बावड़ी है उसके बीच में दो रतिकर पर्वत है ये रतिकर पर्वत है और हर एक रतिकर पर्वत पे एक शाश्वत जीन चैत्य है सो so, हर एक दिशा में टोटल आठ रतिकर पर्वत है सो टोटल एट टाइम्स फोर थर्टी टू रतिकर पर्वत सो थर्टी टू पर्वत पे एक 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 शाश्वत जिन चैत्य सो थर्टी टू प्लस सिक्सटीन प्लस फोर सो टोटल ये नंदीश्वर द्वीप में टोटल फिफ्टी टू शाश्वत जिन चैत्य है ओके okay. और हर एक जो शाश्वत जिन चैत्य है वो सी निशीधी आकार वाला है जो हमने देखा था जो मानुषोत्तर पर्वत उस प्रकार के आकार वाले शाश्वत जिन चैत्य है जो उस जो ये शाश्वत जिन चैत्य के जो डायमेंशन है वो सेवनटी टू योजन ऊंचा है थाउजेंड योजन लंबा है और फिफ्टी योजन पौड़ा है तो ये शाश्वत जिन जिन चैत्य के डायमेंशन है तो अभी जो नंदीश्वर द्वीप व्हाइट इज सो इम्पोर्टेंट व्हाइट इज सो पॉपुलर तो हर एक तीर्थंकर चरित्र में हमने देखा कि जब भगवान का कल्याणक होता है तो सौधर्मेन्द्र इंद्र जो प्रथम देवलोक के जो इंद्र है वो अपना वाहन अपना जो विमान लेके जो आता है उसका नाम पलक है पालकी या पलक करके विमान है वो प्रथम देवलोक से यहाँ तक नंदीश्वर द्वीप तक आता है और जो ये जो विमान है वो एक लाख योजन बड़ा होता है जो सौ सौधर्में, सौधर्विंदर इंद्र का जो विमान है वो एक लाख योजन बड़ा है मतलब जो जम्बू द्वीप का डायमेंशन है उतना बड़ा उनका विमान है तो यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप तक वो आता है वो विमान वो यहाँ पे इस विमान को वो संकीर्ण करते हैं यहाँ पे वो विमान को छोटा करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप तक वो ये एक एक स्टॉपिंग पॉइंट है यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट है तो यहाँ तक आते हैं उसके बाद वो विमान छोटा करता है और उसके बाद वो जम्बू द्वीप की तरफ वो वो लोग प्रयाण करते हैं फिर दूसरा चीज जब तक जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है और भगवान को मेरू पर्वत में ले जाते हैं और जन जन्म कल्याणक के महोत्सव के बाद जब भगवान को माता के पास रखते हैं और उसके बाद सभी देव देवता अपने अपने स्थान में जाते हैं तब तब अपने अपने स्थान में जाने से पहले वो ये लोग नंदीश्वर द्वीप में वो आके रुकते हैं तो यहाँ पे वो लोग लो आठ दिन का महोत्सव करते हैं यहाँ पे वो अष्ट प्रकारी पूजा आदि काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजन आदि करते हैं और यहाँ पे वो आठ दिन का वो महोत्सव करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि जब भगवान का कोई कल्याणक हो उसके बाद पर्युषण पर्व हो उसके बाद चौमासी पर्व हो सा, साल में चार बार चौमासी पर्व आता है और उसके बाद शासवती ओली हो जो साल में दो बार आता है तो ये चार ओकेशंस में वो लोग ये नंदीश्वर द्वीप में आके वो लोग ये अट्ठाई महोत्सव करते हैं तो आठ दिन तक यहाँ पे रुकते हैं और आठ दिन तक वो भगवान की भक्ति करते हैं तो इसलिए ये नंदीश्वर द्वीप इज सो तो इंपॉर्टेंट को, को, कोई कोई क्वेश्चन फिर उसके बाद आ, आ, ये जो नंदीश्वर द्वीप है तो नंदीश्वर द्वीप के जो जो यहाँ पे पूर्व जो अंजनगिरी पर्वत है ये वाला पूर्व तो ये अंजनगिरी पर्वत पे सौधर्मेंद्र इंद्र के देवता का प्रसाद है और उसमें जो चार जो दधिमुख पर्वत है उसमें उसके सौधर्मेंद्र इंद्र के चार जो लोकपाल देवताओं के देवता का प्रसाद है फिर उसके बाद उत्तर दिशा में जाए तो यहाँ पे जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें जो इ、जो ईशान इंद्र जो सेकंड देव देवलोक का जो इंद्र है ईशान इंद्र का प्रसाद है और चार दधिमुख पर्वत पे उसके चार लोकपाल देवताओं का प्रसाद है उसके बाद दक्षिण दिशा में जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें चर्मेंद्र इंद्र, इंद्र। चर्मेंद्र इंद्र मतलब जो भुवनपति के जो जो आवास के जो इंद्र है वो चर्मेंद्र इंद्र का प्रसाद है और उसके चार लोकपाल देवताओं का प्रसाद है और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम में जो अंजनगिरी पर्वत है उसमें बलेंद्र वो भी अगेन भुवनपति देवता का इंद्र है बलेंद्र देवता का प्रसाद है और उसके चार लोकपाल का देवता का प्रसाद ये चार दधिमुख पर्वत पर है तो ये नंदीश्वर द्वीप का डिस्क्रिप्शन है अभी हम नेक्स्ट टाइम कुंडल द्वीप है वो काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा है रुचक द्वीप तो वो वो दो द्वीप के बारे में भी हम देखेंगे और उसके बाद हम आई थिंक थोड़े और टॉपिक्स भी है मध्यलोक में वो भी हम देखेंगे और उसके बाद हम मध्यलोक का हम डिस्क्रिप्शन हम हम फिनिश करेंगे